बेहद अहम दिन है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। आज संसद में अलग अंदाज में कांग्रेस दिखेगी। वापस लोकसभा सांसद बने हैं राहुल गांधी। अब संसद में देश के लोगों की आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। एक बार फिर से राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। आज संसद जा सकते हैं राहुल गांधी। मणिपुर हिंसा मामले में संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी। एक अलग ही कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर आ रहा है। ना केवल कांग्रेस बल्कि जो इंडिया अलायंस है, पूरे अलायंस में खुशी नजर आ रही है और ये तस्वीरें वो बयां भी कर रही हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो इंडिया अलायंस है उनके नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा सचिवालय की एफिशिएंसी बिना देरी के पूरी कागजी प्रक्रिया की है और आज बहाल हुई है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता। सजा के बाद 137वें दिन बहाल हुई है राहुल गांधी की संसद सदस्यता। 24 मार्च 2023 को खत्म कर दी गई थी राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर 4 अगस्त को रोक लगाई थी। तो देखिए 137 दिन बाद आखिरकार सदन के भीतर एक बार फिर से राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तो क्या आज से ही राहुल गांधी नजर आने वाले हैं संसद में? क्योंकि संसद के भीतर जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर, तो उसमें राहुल गांधी के तेवर किस तरह से सदन के भीतर नजर आएंगे इस पर हर किसी की नजर। और देखिए इंडिया अलायंस के नेता किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कई मामलों में ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बूस्टर डोज के तौर पर इसे देखा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बात यही थी, इंतजार कांग्रेस को भी था कि कब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो, एक बार फिर से वो संसद के भीतर पहुंचे। लेकिन जब उनकी संसद सदस्यता गई तो सदन के बाहर किस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, कभी ट्रक चालक के साथ ट्रक की सवारी करते हुए नजर आए, तो कभी जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय उनके साथ बाइक पर बैठकर वो नजर आए बैठते हुए। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता वापस बहाल की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। आज सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी जी को सब पूरे देश के लोगों को न्याय मिला है और पुनः राहुल गांधी जी लोकसभा में शहर की दहाड़ धाड़ेंगे। मोदी जी से अडानी जी के संबंधों के बारे में पूछेंगे और देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज उठा करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। और 2024 में सत्ता परिवर्तन के अंदर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जीती, लोकतंत्र जीता, राहुल गांधी जी पुनः लोकसभा में जाकर के देश के मुद्दे उठाएंगे।